वाला है आपको मजा आ जाएगा इतना मजे का शो होगा अच्छा लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा होगा जिन लड़कियों का है ना कि अच्छे अच्छे कपड़े स्टाइलिश कपड़े फैशन में कौन सी चीजें इन है, कौन सी चीजें आज आज अच्छा साथ साथ मुझे एक चीज पता चली है उठ के आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ जरूर खाया करें जब आप सुबह उठते हैं सुबह उठते ही आधे घंटे के अंदर अगर आप कुछ खा लेते हैं तो फिर आपकी जो है ना वो डाइट प्रॉपर जो आप लेते हो वो ठीक रहती है अगर आप दो ढाई तीन घंटे कुछ नहीं खाते कुछ शो की आदत होती है तो फिर जो है ना आपका वो जो वेट कम करने वाला वो कैलोरीज बर्न करने वाला जो सिस्टम होता है ना वो स्लो होना शुरू हो जाता है तो ये वाली चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें जो बेचारे वेट कम करें क्योंकि हम वेट कम करते हुए कहीं ना कहीं कोई छोटी सी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इतनी है ना खत्म हो जाए चले जी अब हमने जब इतनी अच्छी बात कर ली कि अच्छे कपड़े और फैशन और लड़कियाँ खुश हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा सारी चीजें तो उस सारी चीजों को तो पहले तो मैं आपको एक पैकेज दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आया उनके ड्रेसेस है कैसे आज मेरे पास एक डिजाइनर है उनका मैं वेलकम गुण नहीं करूंगी पहले मैं उनका पैकेज, पैकेज आपको दिखाऊंगी जब उनका पैकेज आप देख के आएंगे आपको सारे ड्रेसेस समझ आ जाएंगे फिर मैं उनको वेलकम करूंगी और फिर बहुत सारे सवाल करूंगी चलते हैं जी पैकेज के नाज़ीन आपने पैकेज देख लिया हमारे साथ हमारी ड्रेस डिजाइनर जो है वो मौजूद हैं स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया रबिया हमारे साथ मौजूद है असलामेकुम कैसी, कैसी है रबिया आप ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं मैं बिल्कुल फिट मज़े में ठीक ठाक और इतने अच्छे अच्छे आपने ड्रेसेस हमें दिखा दिए सुबह सुबह पैकेज में अब तो हम बहुत सारी बातें भी आपसे करेंगे और वैसे भी ड्रेसेस की चीज़ें एक बड़ा मसला होता है लड़कियों को जैसे कपड़ों की बातें सुनते हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं अच्छा <laughs> ये बताएं स्टार्ट ये अपने ब्रांड कब से स्टार्ट किए कितना अर्सा पहले ये मुझे मतलब सिक्स ईयर्स हो गए है सिक्स ईयर्स हो चुके हैं ब्रांड आपने जो स्टार्ट लिया उसके पहले की जो स्ट्रगल होती है क्योंकि आप छः साल पहले तो उसको सामने लेके आई होंगी ना जी बिल्कुल ऐसा ही है पहले मैं क्रॉकरी पे लाइव करती थी अच्छा क्रॉकरी पे जी पहले मैं क्रॉकरी पे लाइव करती थी और घर में ही लाइव करती थी तो मेरा एम था कि मुझे आगे कुछ करना है और उन खातन का साथ देना है जो आगे बढ़ना चाहती हैं अच्छा तो ये क्रॉकरी पे आप लाइव करती थी फिर आपने सोचा कि इस तरफ आऊँ अच्छा लाइव का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग में कभी फॉलोवर्स आते थे कभी व्यूवर्स आते थे और कभी नहीं आते थे लेकिन यह है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत की बहुत स्ट्रगल की आ, लेट लेट नाइट तक मैं मैं और मेरे बच्चे हम लोग जो है वो लाइव सेशन करते थे क्रॉकरी पे और फिर लोगों ने जब मेरा पेज लाइक किया फॉलो किया सजेशन दी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अपने मेरा फिर शौक हो गया ड्रेसेस का और आज आपके सामने हूँ आपके पेज पे फॉलोअर्स कितने हैं था माशाल्लाह मतलब अपनी कोई चीज़ अगर वायरल करवानी है तो मैं आपके पेज पे लिया क्या बात है मेहनत देखिए आप जब मेहनत करते हैं ना तो ये ना सोचें कि मेहनत करने से पहले पहले जो लोग हार के पीछे हट जाते हैं ना कि नहीं हमें तो कोई जानता ही नहीं है हम क्यों करें क्या पता हमारा काम चले ना चले तो हिम्मत अपनी आपने नहीं हारनी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने मेहनत की क्रॉकरी पे पहले लाइव किया बच्चों के साथ अच्छा ये भी बड़ी अल्लाह की तरफ़ से नेमत होते हैं इतने प्यारे बच्चे मिले जो अपने वाले के साथ मिलके मेहनत करें ये भी अल्लाह का एक तोहफ़ा एक इनाम होता है ये भी बड़ी एक मैं कहती हूँ गुड लक में शामिल होती हैं ये चीज़ें कि इन्होंने रात को भी लाइव किया सुबह भी लाइव किया फिर उसके बाद यकिन ऑर्डर जाते होंगे उसकी पैकिंग करना बहुत सारी चीजें होती है सिर्फ लाइव लाइव सेशन नहीं होता उसके पीछे एक बड़ी जो है ना वो एक मैं समझती बहुत बड़ा एक काम होता है फिर कुछ ऑर्डर्स कैंसिल भी होते हैं ऐसा भी है। भी है। भी है वापस वापस आते आते हैं 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 उसमें बड़े प्रॉब्लम्स होते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं अक्सर खातन जो हैं वो जब उनको लेना होता है तो वो फिर ऑर्डर डन करवाती रहती हैं जब उनका ऑर्डर डिस्पैच करने का टाइम आता है तो वो कैंसिल करवा देती थी कहती थी मना कर रहे हैं आ अच्छा। जाता था राइडर लेके मेरा ऑर्डर अच्छा अब बताएं ये ब्रांड को माशाल्लाह छः साल हो गए जी तो इसके डिजाइन जो हैं वो आपके अपने होते हैं या डिजाइन कोई और देता है आप डिजाइनर भी इसकी खुद है मतलब ब्रांड तो आपका अपना है पर जो ये ड्रेस के डिज़ाइन है जो हमने अभी देखे हैं पैकेज में भी और और भी आप साथ भी लेके आए हो तो ये डिज़ाइन आपके अपने होते हैं कपड़ा आ, सब चीज़ें सिलेक्शन कलर कंट्रास्ट सब कुछ आ, देखें बेसिकली ये कंपनी के थ्रू मैं स्टिचिंग करवाती हूँ और मैं ओवरसीज क्लाइंट्स मेरे ज़्यादा होते हैं जैसे ह्यूस्टन हो गया ब्रिस्टल हो गया शिकागो हो गया एडमिंटन कैलगरी तो यहाँ मेरे पार्सल ज़्यादा जाते हैं और वहाँ के मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं अच्छा जी 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 तो जैसे जैसे जो है वो हमारा वेदर चेंज होता है वैसे ही हमारा क्लाइंट जो है वो अपनी पसंद बताता है और कभी ये होता है कि स्टेज भी हम लोग ड्रेसेस लेते हैं और कभी मेरी अपनी डिजाइनिंग भी होती है कस्टमाइज ठीक है ठीक है जी अच्छा आप मुझे बताएं पाकिस्तान से बाहर भी आपके क्लाइंट हैं तो उनको पाकिस्तान के कपड़ा पाकिस्तान का डिज़ाइन उसका क्या फीडबैक आपको वो देते हैं देखें एक तो ये है कि हमारे पास प्राइस सबसे बहुत रीजनेबल है स्टार्टिंग प्राइस exactly. मेरी क्वालिटी अब मुझे ही आपने स्टार्ट में कहा कि बच्चे और मैं लाइव सेशन करते थे वहाँ किसी और फैमिली मेंबर को आपने ऐड नहीं किया तो थोड़ा सा बताइएगा फैमिली में कौन कौन जब आपने ये मेहनत ये बड़ा काम होता है मैं आपको एक बात बताऊँ एक औरत के लिए ना घर को संभालना बच्चों को संभालना साथ इस तरह काम लेके चलना ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इस ज़िम्मेदारी को अगर निभाने के लिए आपके घर के लोग आपकी फ़ैमिली के लोग ऐड हो जाए ना तो फिर थोड़ी सी आसानी होती है तो आपके साथ किन किन लोगों ने आपकी जो फैमिली में लोग हैं कितने हैं किन किन ने आपका साथ दिया और किन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया बल्कि आपको क्रिटिसाइज किया आपके जो एक कॉन्फिडेंस है उसको लूज किया कि नहीं 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 ये नहीं करो इससे फ़ायदा है नुकसान हो सकता है ये थोड़ा सा बताएं क्योंकि हो सकता है बहुत सारी मेरी बहनें देख रही हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो जी बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन देखें पहली बात तो ये है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ अपने बच्चों के लिए ओ, अच्छा, और जो है वो मेरे दो बच्चे हैं बेटा मेरा जो है वो सिक्सटीन ईयर्स का है और बेटी मेरी थर्टीन ईयर्स की है आगे बढ़ने का यही मेरा था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है और दोनों है? बच्चे ओलेबल्स कर रहे हैं कि इनको बहुत काबिल बनाना है और अच्छा इंसान बनाना है ताकि ये बड़ों की रिस्पेक्ट कर सके बिल्कुल ये तो अच्छी बात है और ये था कि बस बच्चों की सपोर्ट थी और अम्मी की सपोर्ट थी बहुत ज्यादा अच्छा ये देखिए आप खैर वो मुझे पहले भी किसी ने एक बात एक बार कही कि खैर नहीं मैं तो ये जरूर कहूंगी कि बाप का भी किरदार अहम होता है और अगर नहीं है तो फिर और बात है वैसे बाप का किरदार भी बड़ा अहम होता है बच्चों की परवरिश में तो वो कहते हैं कि अगर बाप ना हो तो माँ जो है ना बाप बन के पाल लेती है मुझे किसी किसी मर्द ने ये कहा था उसकी बीवी नहीं है उसकी डेथ हो चुकी है तो उसने कहा अगर मैं ना होता तो मेरी बीवी बाप बन के पाल लेती आज वो नहीं है तो मैं माँ नहीं बन पा रहा तो मुझे मजबूरी दूसरी शादी करनी पड़ रही है और अगर मैं ना होता तो वो बाप बन के पाल लेती तो माँ के अंदर अल्लाह ने ये सारी चीजें डाली है कि वो देखें मर्द की तरह बाप की तरह उनको कमा के उनके लिए वो सोच भी रख रही है कि उनको वो फ्यूचर दू जिसमें वो आ, दुनिया के बेहतरीन इंसान भी बने उनको अच्छी एजुकेशन दू सारी चीजें दूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है और अल्लाह करे इन शाह हमारी दुआ है कि वो कामयाब भी हूँ अच्छा तो ये फिर इस तरह से आपने काम शुरू किया स्टार्ट में किस तरह से आपने कितने ड्रेसेस लिए किस तरह से किया ऑर्डर पहला कितने का आया थोड़ा सा ये मोटिवेशन हमारे नए लोगों को मिलेगा जी बिल्कुल देखिए <coughs> मेरे पास बिल्कुल भी ना पैसे थे ना वसाइल थे ना वक्त था वक्त तो था लेकिन वसाइल नहीं थे तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज थे मेरे पास खाली अच्छा। और मैंने कहा कि हमें कुछ करना है हाँ। तो एक जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में जो है वो दस से बारह ही ड्रेसेस आए और वो परचेज किए और जो है वो लोगों को दिखाया उसके बारे में ड्रेस के बारे में बताया और बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन पे वो सेल करने स्टार्ट हुए अ, कभी जो है वो कोई लेता था कि नहीं अभी हम नहीं बना रहे अभी हमने ड्रेस बना लिया हालांकि वो लोग बहुत शॉपिंग क्रेजी जो लेडीज होती है ना जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है मॉल्स में उन तक को मैं दिखाती थी और वो लोग जो है वो नहीं ए, वो होती थी कि नहीं अभी तो हमने ले लिया आज वही खातन है ही जो बल्क क्वांटिटी में उनके पास मेरे ऑर्डर्स जाते हैं है। अच्छा तो अब मुझे बताएं कि अभी भी आप लोग क्योंकि अब जिस तरह से महंगाई ऊपर गई है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो आप लोगों ने कम किया होगा इसलिए कि अगर प्रॉफिट मार्जिन उसी हिसाब से रखा जैसे नॉर्मल आप लोग रखते हो ग्रेट चीजों के बढ़ चुके हैं प्रॉफिट मार्जिन वो हुआ तो एक जो पहले आप ड्रेस देते थे उसका अमाउंट दूसरा था अब आज कपड़ा हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है इन चीजों में महंगाई की वजह से हमें हो रही है प्रॉब्लम लेकिन कन्विंस करना जैसे मेरे पास काफी ज्यादा रीसेलर्स हैं 40 टू 50 रीसेलर्स हैं मुझसे बल्क में लेके आगे सेल करते हैं तो, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे उनकी ज्यादा फिक्र होती है कि हमारा तो हमारी तो पीआर है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बल्क में चला जाता है तो उनसे कौन लेगा तो मुझे अपना पुराना वाला वक्त याद आता है तो मैं उनको ज्यादा सपोर्ट करती हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा जैसे जैसे महंगाई हो रही है हर चीज की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा जो ड्रेस हम जो है वो होल सेल पे नाइनटीन फिफ्टी का था वो ट्वेंटी टू फिफ्टी का हो चुका है अब आप देखें बहुत मुश्किल है बिल्कुल अच्छा अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर कोई इस तरह से जिस तरह से आपने काम शुरू किया और वो इस तरह से काम शुरू करना चाहते हैं और कोई उनके पास भी इतने वसाइल नहीं है या कोई फैमिली में भी सपोर्ट करने वाला नहीं है आपको पता है कि इस तरह की बहुत सारी औरतें हैं जो अपने घर को लेके चल रही हैं अपनी पूरी पूरी फैमिली को आ, जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं तो मंथली कितना अमाउंट आप एक अगर आप बता दें कि इतना तक आप कमा सकते हो अगर आप इतनी मेहनत करते हो आप आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो देखें ये होता है कि जरूरी नहीं है देखिए मेरा पैशन था ड्रेसेस hmm. आ, आप ज्वेलरी पे भी वर्क कर सकती हैं डिफरेंट कंपनीज हैं hmm. वहाँ आप कुकिंग करके भी और आप डिलीवर करवा सकती हैं और आप मेकअप कभी जो है वो किसी, किसी का भी शौक होता है, है। मेकअप का तो वो वो भी काम कर सकती हैं और सबसे बड़ी बात है पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट आजकल के दौर में होना चाहिए हर कोई इतना अच्छा नहीं होता कि आपको जो है वो सेल करने के लिए दे दे लेकिन मैं अपनी खातन को आज मैं आपके शो के उससे बोल रही हूँ कि मैं अपनी खातिन को क्रेडिट पे देती हूँ होलसेल रेट पे अच्छा जी तो वो फिर सेल करने के बाद जो अमाउंट होता है फिर जब वो सेल कर देती हैं 15 डेज का मैं उनको टाइम देती हूँ जब वो सेल आउट कर देती हैं तो जो बच जाता है मैं वो भी रिटर्न लेती हूँ और जो सेल हो जाता है उसके पैसे 15 डेज का टाइम अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम मजबूर हैं परेशान हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अब आप इस टाइम कपड़ों पर ही सिर्फ वर्क कर रही हैं या उसके अलावा भी Uh, मैंने खुद से भी अपने लॉन्च किए वो मेरी अपनी प्रोडक्ट ना करे खुद से खुद से मुझे बहुत है। जी <laughs> अच्छा खुद से बड़े प्यारे लगते हैं आप देखें एक खुशों का फैशन ऐसा है कि जो कभी नहीं गया आप आज भी उसको लॉन के सूट के साथ आप वो पटियाला शलवार के साथ आप हर चीज के साथ सिंपल पहने शादियों में पहने तिल्ले वाले पहने वेलोड वाले पहने वो हर किस्म के खुस्सों का फैशन आ, मैं समझती हूँ कि वो हमेशा रहने वाला है अच्छा फिर आपने अपने खुस्से ये मुझे फोर मंथ्स हुए हैं और आप यकीन नहीं करेंगे हमारे से इतने ज्यादा जो हैं वो कंफर्टेबल हैं और इतने ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं कि मुझे जो फीडबैक सिक्स ईयर्स में कपड़ों का मिला था मुझे फोर मंथ्स में खुस्सों का मिल चुका है क्या बात है जबरदस्त तो आप कपड़ों और खुस्सों में कर रहे हैं जी ठीक है तो ये आप किसी कारखाने से बनवाते हो जी जी अच्छा तो किस तरह का होता है फैंसी होते हैं सिंपल होते हैं क्या होता है अभी तक तो, तो ज्यादातर मेरे पास फैंसी है अच्छा फैंसी वैसे आजकल सिंपल भी तो चल रहे हैं कि जैसे कपड़े वैसे खुद से जी जी बहुत सारे कस्टमाइज़ बनवाते हैं जिनके बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर होते हैं तो वो बनाते हैं जैसे जैसे वो ड्रेसेस के कलर्स हमसे लेती हैं तो हम उन्हीं को मैनेज हाँ, करके खुद से देते हैं हाँ ये आजकल बड़ा चल रहा है लड़कियाँ जो है ना वो जैसे कलर का ड्रेस पहनती हैं वैसे कलर के खुद से मैंने एक दिन रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस लिया था तो फिर मैं रॉयल ब्लू कलर के खुद से ढूंढ रही थी मैंने कहा नहीं रॉयल ब्लू ही खुद से ले रहे तो वो बड़े प्यारे लग रहे थे सिंपल भी थे और अच्छे भी लग रहे थे तो जिन लड़कियों को होता है ना कि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए तो वाकई खुस्सों में आप अच्छे नज़र आते हो आप आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है अगर आप शिलवार कमीज गर्मियों में पहनते हैं, हैं।, हैं तो उसके नीचे से बड़े प्यारे लगते हैं उसमें तो पाँव भी आपके कवर हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में धूप की वजह से पाँव काले हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं तो खुस्सों में थोड़ा पाँव भी कवर हो जाते हैं पाँव भी सेफ हो जाते हैं अच्छा मुझे बताएं आपकी कलेक्शन जो है वो किस तरह लॉन पे है शेफ़ून पे है किन चीज़ों पर है आप किस तरह के ड्रेसेस बना रही हैं पार्टी वियर है वो थोड़ा सा आप देखें ज़्यादातर हमारे पास कैजल और पार्टी वियर है जैसे जैसे अभी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेदर हमारा चेंज होता है पहले विंटर था तो हमारे पास खद्दर और जैकार्ड बहुत ज्यादा इन था अब हमारा समर आ गया तो हमारा डिजिटल डिजाइनर और लॉन कलेक्शन आ गई है प्रीमियर लॉन अच्छा आजकल वो एक बड़ा चला हुआ शॉर्ट सिल्क पे जैसे शर्ट होती है उसी का वो प्रिंट जो है वो पे होता है शेफून पे वो भी आपके पास जी है। हमारे पास वो भी और है और कलर आए हुए तो चिकनकारी भी है स्टिच होते है और अनस्टिच भी है अच्छा जैसे अगर मैं कोई ऑर्डर करूँ और बोलूँ की मुझे स्टिच चाहिए तो आप स्टिच बिल्कुल मैं आपको स्टिच करवा रहा हूँ अगर मैं कहूँगी मुझे अनस्टिच चाहिए तो उसी डिजाइन का आपको ऑन मिल जाएगा अच्छा। पाकिस्तान में दुनिया भर में कहाँ कहाँ आपके ड्रेसेस जाते हैं कौन कौन सी जगहों पे आप अपने पार्सल भेजती हैं अबू धाबी और दुबई और शिकागो ब्रिस्टल एडमिंटन कैलगरी टोरंटो तो में ज्यादा जाते हैं मेरे अच्छा तो ये सारे आपने आ, ये जो आपके जो भी कॉन्टेक्ट बने हैं ये सारे लाइव सेशन से बने आप लाइव सेशन करती थी वहां से ही सारे कस्टमर आपको मिले और इस तरह से आप लोग अटैच हुए देखें कुछ लाइव सेशन से बने हैं और कुछ पीआर होती है <coughs> इस तरह से <coughs> बने हैं ज्यादातर मेरे लाइव सेशन से बने हाँ, क्योंकि उन्होंने आपके कभी एक आध बार ड्रेसेस मंगवाए होंगे अच्छा उसका फीडबैक होगा अच्छा कपड़ा होगा उनको जिस तरह का ऑर्डर किया होगा वैसा ऑर्डर मिला होगा तो यकीन तभी कस्टमर आपका बने बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही, है। ऐसा ही है क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है इनकी तो खैर बुटीक भी है उस पर भी हम बात करेंगे पहले मैं ऑनलाइन पर थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि ऑनलाइन पे हम जब किसी को ऑर्डर करते हैं ना हम बड़े घबराए हुए होते हैं कि जो चीज़ ऑर्डर की है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर वही चीज़ और सेम और अच्छी चीज़ हमें मिल जाए तो फिर आप यकीन करें उस ब्रांड पे बड़ा भरोसा हो जाता है फिर हम वहीं से ऑर्डर सारे करते हैं तो अगर इस तरह हो जाए वो कहते ना मुर्गी को एक बार नहीं काटना चाहिए अंडा खाना चाहिए अच्छा बताएँ बुटीक का बताएँ बुटीक कितने अर से पहले की है मुझे अभी न्यू ईयर पर ही मैंने ओपनिंग की थी फर्स्ट जनवरी को Yeah, मतलब दो महीने हुए हुँ. और ऑफिस मेरा वन ईयर हम्म अच्छा तो बुटीक जो है वो कहाँ कहाँ है आपका देखिए एक मेरा बफर जोन में है और एक मेरा सेकंड ब्रांच जो है वो मेरी नाजमाबाद में उसमें अभी मुझे दो महीने हुए हैं अच्छा मतलब डिफेंस वाले ना है आपके पास आप कहना चाह रही चाहिए <laughs> दूर पड़ेगा ना डिफेंस वालों इंशाल्लाह वह भी आप बिल्कुल आपको इनशाला आप अच्छा आप मुझे बताएं सबसे पहले कि अगर मेरे शो के तवस्सुस से हमारा शो आज अगर कोई देख रहा है और आपको अगर ऑर्डर करता है तो फिर उनके लिए कि कितने परसेंट ऑफ या क्या फाइव परसेंट ऑफ चले जी हमारे शो लेकिन मस्ट इम्पोर्टेंट है उनको ये बोलना पड़ेगा की मैंने एनी का शो देखा था हाँ ये लाजमी है और जो ऊपर भी बैठे हुए और उन्होंने अपनी अपनी मतलब फैमिली को लेके जाना है तो वो सोच रहे कि शो का जाके आप लोग नाम लेना है ठीक है जी अच्छा ये दो बुटीक आप मुझे बताएं पहले तो आप जिस तरह से आपने बताया कि यूँ लोग मुझे लेके जाते हैं बल्क में ड्रेसेस और वो फिर सेल करते हैं और ये मैं पंद्रह दिन बाद पैसे लेती हूँ बल्कि जो ड्रेसेस ना बिके मैं वो भी वापस ठीक थी? है ये समझ आ गया अब जब बुटीक पे आप आए हो तो बुटीक पे आपको रेंट भी देना है बुटीक पे आपको बिल्स भी देने हैं के, के, भी देने आपको स्टाफ के भी देने के भी देने आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे एक्सपेंस है ना और आपका जो ड्रेसेस का आपने बताया कि बड़े लो रेट पे आप काम करती हैं तो मुझे बताएं कि आप जब बुटीक पे आप आई हैं तो आपको क्या फ़ील हो रहा है कि बुटीक जो है वो ठीक है ये आपको लग रहा था नहीं वो ठीक है यहाँ तो जितना कमा रही हूँ मुझे तो देना भी इतना पड़ रहा है ये थोड़ा सा बताइए देखिए जब, जब मुझे मुझे आइडिया आया ना कि मुझे बुटीक करना है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है बुटीक मेरा और वहाँ पे उस पूरे एरिया में ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बुटीक है नहीं अच्छा। तो लोग बहुत पसंद करते हैं और प्राइस सबसे कम लगती है मतलब बुटीक देख के सब समझते हैं अंदर जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं लेकिन जब लोग अंदर आते हैं मेरे स्टाफ से बात करते हैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है सारे कस्टमर जो है वो तीन से चार ड्रेसेस लेके ही निकलते हैं तो पहले मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला से यही मैं कर, दुआ करती थी कि ये मैं बुटीक खोल तो रही हूँ इसका मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिला और यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि लोग कस्टमर आ रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं जबरदस्त जी और भी बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे अभी हम लेंगे एक ब्रेक ब्रेक से फिर वापस आते हैं नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी अभी हम लेंगे इतने सी ब्रेक तो कहीं ना जाए देखते रहे हमारा शो आते हैं ब्रेक से वापस वेलकम बैक जी नाजरीन हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वी कैन शाइन विदिशा अच्छा मैं आपकी आती हूँ अच्छा मुझे बताइएगा अब जिस तरह से रमज़ान भी आने वाले हैं आगे ईद भी है तो ईद की कलेक्शन जो है वो तैयारी पर है कै, कैसी चीज़ें तैयार कर रही हैं वो थोड़ा सा बताएँ देखें ईद की कलेक्शन हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन हमेशा ही मैं अच्छी कलेक्शन ले आती हूँ तो हमारी जो है वो और गंजा मटीरियल पर भी है चिकनकारी पर भी है जकार्ट पे भी है और डिजिटल पर भी है अच्छा तो और थोड़ा सा फैंसी हमने विद एम्ब्रॉयडरी करवाया स्टिच भी और अनस्टिच भी अच्छा जी ठीक है अच्छा मुझे बताएगा अबाया भी सुना है कि अब आपका अबाया भी आप जो है वो भी लाने वाली हैं ड्रेसेस तो थे खुदे तो थे पर अबाया क्योंकि अबाया जो है ना बहुत सारी लड़कियां अबाया पहनती हैं फ़ैशन में बहुत सारी लड़कियों का ना अबाया उनको फैशन भी करती है पर वो कहती हैं नहीं हम अबाया जो है वो ज़रूर पहनेंगे तो अबाया क्या मतलब किस तरह के डिज़ाइन हाँ। हैं कब आ रहा है क्या है अबाया ये जो मैं आज आपके शो में पहन के आई हूँ ये भी मेरी अपनी प्रोडक्ट है

नेट के भी होते हैं तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपकमिंग लॉन्चिंग है मेरी अबाई की ठीक है मतलब ईद तक जी जी इनशा ठीक है जी अब मुझे बताइएगा कि अबाया आपने क्या सोच के कि अबाया की डिमांड ज़्यादा है जब मेरे पास मेरे कस्टमर्स आते थे ना तो अच्छा ज़्यादातर मजे की बात मैं बताऊँ जब मैं लाइव सेशन करके खत्म करती थी ना और कभी ऐसा होता था आधे घंटे में मेरे बुटीक पे मेरे फॉलोवर्स के आपसे मिलना है आपका लाइव सेशन देखा था क्योंकि मैं हमेशा लाइव सेशन में अपने टेन परसेंट फाइव परसेंट ऑफ देती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स मेरे बोलते थे कि आप अबाए पर भी करें क्योंकि अलमदुल्ल्या एक तो चॉइस बहुत अच्छी है मेरी और क्वालिटी नंबर वन हमेशा लेके आती हूँ क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कभी भी

बाय रबिया और फेसबुक का भी पेज है स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया इंस्टा पे कितने फॉलोवर्स हैं है, इंस्टा का भी मेरा वन वीक हुआ है बनाए हुए उससे अच्छा, ज्यादा नहीं है अच्छा इंस्टा पे ज्यादा टाइम नहीं वहाँ पे वन वीक हुआ है आपका ठीक है और फेसबुक पे तो आप एटी थाउजेंड वहाँ तो काफी लंबे छह साल ऐसी जी सिक्स ईयर हो गए ठीक है अब मुझे बताएं कि ऑर्डर जिन लोगों ने करना होता है अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऑर्डर अगर जिसने सेंड किया वो वाला कलर नहीं आया या कुछ तो फिर प्लेसमेंट का या चेंज का क्या किस तरह से वो वो किस तरह से कर देखिए अक्सर होता वो है, है वो ऑप्शन है वो ऑप्शन जी जी है? बिल्कुल मेरे पास रिटर्न का भी है एक्सचेंज का भी है सारे अलहमदिल्ला ऑप्शन है अच्छा रिटर्न का ये है कि स्लिप में मैंने ये मैंशन किया हुआ है कि सेवन डेज में आप रिटर्न कर सकते हैं और ये कि आप महीनों बाद कस्टमर आ रहे हैं तो ये तो फिर इट्स नॉट फेयर ये तो फिर गलत हो जाएगा ना इतने, इतने दिनों बाद आ रहे हैं और स्टिच पे हमारा ये कि हमने ट्रायल रूम भी बहुत अच्छा सा मैंने अपनी बुटीक पे बनवाया वा हुआ है कि आप ट्राई करें और फिर अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है फैब्रिक में तो हम बिल्कुल आपसे रिटर्न करेंगे अच्छा अ, अब अगर कोई ड्रेस है वो अनस्टिच अगर तीन हजार का है तो वो कह रहे नहीं हमें तो अनस्टिच नहीं चाहिए हमें तो स्टिच चाहिए तो फिर वो कितने का हो जाएगा वैसे भी मेरी रीजनेबल प्राइस हैं वो ड्रेस तकरीबन तकरीबन थर्टी एट हंड्रेड का होगा स्टिच अच्छा ठीक जी है. अगर कोई ड्रेस हमने स्टिच देखा और हमें वो अनस्टिच चाहिए

ईद पे किस तरह का लोगों का रुझान रहता है अब जिस तरह से महंगाई हुई है महंगाई में क्या आपके काम पे असर पड़ा है महंगाई ने आपके काम पे असर दिया क्योंकि बहुत बड़े बड़े कारोबार छोटे कारोबार क्या मैं बड़े कारोबार की भी बात कर रही हूँ कि इस महंगाई की वजह से वो भी बड़े नुकसान में जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है लोगों का रुझान बहुत कम हो गया जब से ये दो महीने से न, जो है जो खातीन जो है वो महीने में पाँच ड्रेसेस बनाती थी वो दो ड्रेसेस बना रही हैं सिर्फ इस महंगाई की वजह से जो टू थाउजेंड का था वो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड पर उसकी प्राइजेस चली गई सारी बातें पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली हर चीज इतनी महंगी हो गई है हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल। वो वाली बात है बहुत सारे लोगों को तो ऐसे भी हमारे जानने वाले जिनको इतना प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने कहा कि यार हम तो अपने काम वाम बंद करें बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐसे हैं बहुत सारे मैंने फूड के भी देखे हैं बहुत सारे हमने कपड़ों के भी देखे हैं जिन लोगों ने हिम्मत हार हार दी कि नहीं हम अपने वर्कर्स को पैसे नहीं दे सकते हम जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो नहीं दे सकते हम बड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए हैं और आपने उस दौर में अपना बुटीक जो है वो भी किया है तो थोड़ा सा उस हवाले से नहीं नहीं ऐसा तो अल्लाह का बहुत एहसान है ऐसा तो नहीं है काम तो मेरा आ, अच्छा चल रहा है मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ओवरसीज पार्सल्स ज्यादा जाते हैं हु। वहाँ पे लोग और ज्यादा पसंद करते हैं हमारे पाकिस्तान के ड्रेसिस को अच्छा तो वहाँ कितने दिनों में पहुँच जाता है पार्सल कितने दिनों का टाइम लेती हैं

वो मतलब ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर रिसीव होते हैं? देखिए कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे बन गए हैं पहले तो हम लोग एडवांस पेमेंट पे वर्क करते थे <coughs> लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे हो गए हैं कि जब पार्सल उनको पहुंच जाता है वो जब भी आराम से दे देते हैं पेमेंट बाई ट्रांसफर वहाँ पे ज्यादा फोकस है, इस चीज़ पे आराम से मिल जाता है एक दिन में पेमेंट आ जाती है मतलब आप लोगों का एक ट्रस्ट लेवल ऐसा उन लोगों से बन चुका है कि वो आ, वहाँ पार्सल जाके भी आपको पेमेंट आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं है ठीक है जी आप मुझे बताएं कि ज्यादा वैसे किस कपड़े की डिमांड डि रहती है साल के बारह महीने कौन सा ऐसा स्टाफ है जिसकी डिमांड होती है कुछ डिजिटल लॉन अच्छा डिजिटल लॉन

अच्छा जैसे वन पीस आ रहा है वो भी डिज़ाइनर कपड़े पे हमारे पास वन पीस पे ही वो बना हुआ था बाकी सही कह रही है एक ऑरेंज कलर का मैंने भी वन पीस पे पर वो किसी ब्रांड का मैंने लिया था और अंग रखा स्टाइल था और वो मैंने जब जब पहना तो तब तब लोगों ने मुझसे पूछा किस ब्रांड के वाकई वो बहुत अच्छा लगता है फैशन की आपको ना सेंस होनी चाहिए फिर आप सस्ते में बड़ी अच्छी चीज बना लेते हैं वाकई की बात सच है कि फैशन सेंस हो आपको तो आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए एक अच्छा ड्रेस बनाने आ, के लिए। कहते हैं ना कि अच्छा लिबास आपकी शख्सियत बताती है बिल्कुल ऐसा ही है तो ऐसा है और हमें अच्छे कलर्स अच्छे कलर्स पहनेंगे तो मूड भी अच्छा होगा हमारा ये बहुत मैंने रंगों से मूड जो है वो चेंज होता है जी बिल्कुल ठीक है जी अच्छा अब अब ये बताएं कि हमारे देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगी अब आगे रमज़ान भी है फिर इन ईद भी है कुछ लोग रमज़ानों में भी बल्कि बहुत सारे लोग रमज़ानों में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं रमज़ानों के लिए कि बड़ी रातें आएंगी उसमें हम अच्छे नए कपड़े पहनेंगे और ज़रूर करना चाहिए जहाँ और त्योवरों की जो है त्यौहार जब होते हैं उनकी तैयारी करते हैं तो बिल्कुल रमज़ान में वो दिन भी जिनमें आपने कपड़े पहन के इबादत करें और सारी चीज़ें करें उनके लिए भी क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ब्रांड के हवाले से उनको ईद के लिए क्या उनके लिए कोई सरप्राइज़ है कितने परसेंट ऑफ वाला सीन होता है आपका या नहीं होता ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे देखने वाले को कोई मैसेज देखें आपके शो के उससे अलापा के ट्वेंटी वन को बहुत ज़्यादा तरक्की दें क्यों और मैं यही कहूंगी कि जो आपके शो के उससे आएगा तो 15 डेज तक मेरे पास 25 ऑफ है लेकिन वही वाली बात कि मैंने एनी का शो वॉच किया था ठीक है ठीक जी है और अगर एनी आ गई फिर <laughs> पता मैं खुद पहुंची एड्रेस लेके बिल्कुल आए भाई आये कप... <laughs> हाँ पता चले मेरी प्रोडक्शन के लोग पहुंचे हो कि यार पहुंच जाओ अभी ईद की शॉपिंग अभी कर लो बिल्कुल आए सब ईद की तो शॉपिंग करनी होती है देखिये ईद एक ऐसा त्यौहार है जो बेचारा गरीब है उसने भी ईद मनानी है जो अमीर है उसने भी मनानी है जिसके पास कम पैसे हैं उसने भी मनानी है तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनके पास जो कलेक्शन है वो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो अच्छी भी है डिज़ाइंस भी अच्छे हैं कपड़ा भी अच्छा है स्टाइलिश भी है और फिर पैसे भी वो जो आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करो को अच्छा लगेगा और यकीनन आप रिलैक्स हो गए जिनकी दो तीन बच्चियाँ होती हैं ना उनको थोड़ा मसला होता है कि

मेहनत करी है तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं हमें खवतिन का जो है वो अपनी घर बैठी ख़्वतन का साथ देना चाहिए और ख़्वीन को भी चाहिए कि अपने शोहर का बाजू बने और हमारे हस्बैंड को चाहिए उन उन शोहरों से मैं यही पैगाम दूंगी कि अपनी ख़ातिन को मोटिवेट करें और अब ख़्वीन को इतना बाख्तियार होना चाहिए कि वो हर मुश्किल घड़ी का सामना कर सके। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और सच बताऊँ मतलब मुझ जैसी जो है ना मैंने मतलब मैं बचपन से जब से छोटी थी ना मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि अपने घर वालों से भी कोई थोड़े से पैसे ले लूँ जब स्कूल जाती थी मुझे बड़ा फील होता था कि सुबह उठ के मैं अपनी अम्मा से कहती थी मुझे पैसे दे तो मैं बचपन से ही कुछ ऐसी थी कि मैं सोचती थी कि बस मैं तो खुद अपने मेरे पैसे होने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल बनाया और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं अपने घर वालों की हूँ कि इस काबिल बनाने में उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया क्योंकि जब औरत घर से बाहर निकलती है ना काम करने के लिए तो सबसे पहले उनके घर वालों का भरोसा उन उनपे होना चाहिए जो जो ट्रस्ट होता है ना वो अच्छी बात वो औरत का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ ले जाता है तो सबसे पहले जो मुझे लोग देख रहे हैं जब आपकी औरत घर से बाहर निकले तो उसको सबसे पहले तो उस पर भरोसा करें क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करेंगे तो यकीन करें वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगी अगर आपने उसको काम पे निकाल दिया और उसके बाद उस पर शक करते रहे कि कहाँ गई थी मोबाइल क्यों ऑफ था लेट क्यों हो गई दस मिनट ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया तो आप यकीन करें जो नहीं भी करने वाली चीज़ें होती ना फिर हो जाती हैं वो सबसे पहले तो आप भरोसा करें फिर आप देखें कि औरत वाकई जब मजबूत हो के बाहर निकलती है ना तो फिर उसे कोई नहीं तोड़ सकता और कोई उसको उसकी पटरी से नहीं उतार सकता मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अलहमदिल्ला मैं जिस फील्ड में हूँ एक लंबा अरसा हो चुका है अपने घर वालों का भरोसा और ये सारी चीज़ें और मैं बड़ी आज़ादी से बड़े खुल के अपनी ज़िंदगी भी अलहमदुल्ला गुज़ारती हूँ क्योंकि जो कॉन्फिडेंस जो सारी चीज़ें मुझे मेरे घर से मिली हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी जीती हूँ तो इसलिए अल्लाह का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ जिंदगी दी इतने खूबसूरत रिश्ते दिए और उन लोगों का भी शुक्र अदा करती हूँ जो इतना भरोसा मुझ पर करते हैं और इन लोगों का भी शुक्र अदा करती हूँ जिन लोगों के साथ काम करें बिल्कुल बहुत अच्छा ही अच्छा। आप मुझे बताए कि कभी एक अब ऐसी बात होगी वरना मैंने आपसे अल्लाह हाफिज़ करना था पर जाते जाते ये सवाल अब करके ही जाऊंगी मैं कभी स्टार्ट में ऐसा हुआ कि कोई ऐसा था जिसने आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम किया किसी भी वजह से ऐसा होता है औरत का कॉन्फिडेंस कम होता है ना कि जब आपको घर से ही अगर नोक टोक और चीज़ें हों मैं आपको यही बताऊंगी कि जब मैंने ये मैं नाम नहीं ले सकती मैंने जब ये मेहनत करनी शुरू की थी तो मुझे ये टॉन्ट किया जाता था कि ये बच्चे कुछ नहीं बनेंगे आगे और मुझे मेरा सबसे अच्छा वक्त वो था कि जब मैं गाड़ी में बराबर में बैठी हुई थी और मेरा बच्चा ड्राइव कर रहा था और आज भी मैं उसी के साथ आई हूँ तो हर औरत जो है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है आज आपका बेटा खुद गाड़ी हाँ। ड्राइव करता है मैं उसी के साथ आई हूँ मुझे बहुत उ, उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे जब ज़्यादा खुशी होगी जब वो एक और अच्छा इंसान बनेगा तो मैं कहूँगी ये मुकम्मल है हर चीज़ एजुकेशन नहीं होती बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है पहली बार जब उसके साथ गाड़ी में बैठी थी कैसा फील हुआ था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मैं बहुत खुश हुई थी पहले तो वो मुझे बोल रहा था कि मुझे बाइक मैंने कहा मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगी मैं तुम्हें गाड़ी ही डायरेक्ट दिलाऊंगी बिल्कुल हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश नसीब हूँ दोनों बच्चे मेरे बहुत फर्मादार हैं दोनों बच्चों की मेरी बहुत सपोर्ट है हम फैमिली में मेरे दो बच्चे और मैं अच्छा नहीं बिल्कुल अच्छी बात है यही चीज होनी चाहिए एक माँ अपने बच्चे को यही तरबियत देती है कि वो एक अच्छा इंसान बने ठीक है आप एजुकेशन तो मिल जाती है आपको अच्छी तरबियत आपकी होनी चाहिए और अच्छी तरबियत के बाद आप अच्छे इंसान होने चाहिए वरना बहुत सारे लोग देखे हैं जो एजुकेटेड तो हैं पर उनकी तरबियत अच्छी नहीं थी या उनकी सोच अच्छी नहीं थी तो इसलिए वो मुशरे में अच्छे इंसान नहीं बन सके अच्छे इंसान बनने के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं ये पूरा एक पैकेज होता है जो तरबियत और जिन लोगों में आप बैठते हैं एहसास जज्बात और ये सब जब मिलते हैं एक पूरा पैकेज होता है तो तब एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शख्स निकल के सामने आता है और आपको एक बात बताऊँ वो अच्छा शख्स सिर्फ अपने लिए नहीं होता वो माशरे के लिए होता है क्योंकि वो जिन जिन लोगों से अटैच होता है अगर वो अच्छा होता तो उनको एक पॉजिटिव वाइब्स देता है और अगर अच्छा नहीं होता तो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे साबित हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया तश्री बहुत शुक्रिया मुझे Thank बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच जी नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद विदिशाह अभी हम लेंगे एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद